Hello everyone, good morning. In today's video we are going to do EVS. Today we will do chapter number 20, means of transport. Some means of transport move on land. कुछ means of transport होते हैं जो हम land पे चलाते हैं. For example, आपने देखा होगा train, train land पे होती है, यानी for example that means railway track पे चलती है ना. And bus, bus road पे चलती है. तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों land transport हैं. ठीक है, रेलवे ट्रैक भी तो लैंड पे ही होता है. दैट मीन्स ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट है एंड बस भी लैंड ट्रांसपोर्ट है. सम मोर एग्जांपल्स हम लेते हैं, कार भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, बाइक भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, साइकिल भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, ऑटो रिक्शा भी लैंड ट्रांसपोर्ट है. तो ये सारे जो लैंड पे होते हैं उन्हें कहा जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट. सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव इन वाटर. अब कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो सिर्फ वाटर में चलते हैं, जैसे कि शिप. आपने देखा होगा शिप सिर्फ वाटर पे चलती है, लैंड पे नहीं चल सकती शिप. तो शिप क्या हुई, लैंड तो शिप क्या हुई, वाटर ट्रांसपोर्ट. सेम एज इट इज़ बोट. बोट भी लैंड पे नहीं चल सकती, एयर में भी नहीं चल सकती, तो बोट भी क्या हुई, वाटर ट्रांसपोर्ट. नाउ सम ट्रांसपोर्ट मूव इन एयर. अब कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो एयर में चलते हैं. द मोस्ट कॉमन टू ट्रांसपोर्ट कौन से हैं जो एयर में चलते हैं, एक एरोप्लेन. आपने देखा होगा एयर में एरोप्लेन देखते हैं आप. एंड हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर भी एयर में ही उड़ता है. सो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर एयर ट्रांसपोर्ट. सो डियर किड्स, लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, ट्रेन, बस, कार, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल. देन वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से हो गए, शिप, बोट, सबमरीन. और एयर ट्रांसपोर्ट कौन से हो गए, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. So dear kids, like this you have to read this chapter number 20, means of transport. In next chapter we will continue with the exercises. Okay dear kids, bye bye, take care.